गल करूँगा कि गन्ने दे विच एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि गन्ने दे जिहड़े नदीन है वीड्स उहदे नाल ओह साडे नाल काफ़ी धक्का करते हैं, काफ़ी हद तक साडे गन्ने दे विच नुकसान करदा है। और फिर वही गल आ गई कि गन्ने ने रहना 12-14 महीने खेत दे विच, हर 3-3 महीने विच जिहड़ा उहनां दा वीड्स दा फलोरा आंदा वो चेंज होंदा। जिहड़ा हुण बिजाई दे टाइम आ ना, हुण कणक दी मचोटी वाले जिहड़े गुल्ली डंडा वो लटन पटन आ जाने, जदों ये थोड़ा मानसून सीजन से जाना वो ट्रेंड दूजे झोने वाले चेंज हो जाने, बाद जो सितंबर तो बाद जाना तो वो बदल जाते हैं। तो गन्ने के जो नदीन रोकना या वो असी कभी भी कोशिश करिए इंटैग्रेटेड अप्रोच रखिए, पहले तो कोशिश आ करिए कि सानू बेसिक प्रिंसीपल जड़े है, क्योंकि नदीन कदे भी कंट्रोल नहीं होंगे। अस कहने कि कंटको फलानी चीज़ कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल तो किसी चीज़ का है ही नहीं। हो सकता कंट्रोल नहीं हो सकता। एक मैं चुटकला सुनाउना तुहाडा, बंदे ने कोरलेट किया, कहिंदे कि साडे मिसिज जड़े ने मतलब कहिंदे वह करोना की तरह ने, कहिंदे पहले तो सोचा सी कंट्रोल कर लेंगे, बाद च लगे वे नाल ही रहना पैना। तो उही चीज़ हो गई भी चाहे नदीन हो ना चाहे गन्ना होए, उन्हों असी कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल ही रहना, पर कोशिश करिए कि मिनिमम लैवल दे नाल रहिए कि नुकसान ना करना, उस हद तक ना जाइए। तो वो जो वीड मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि नदीन जो असी फसल लाउनी है, खेत ढंग नाल असी तैयार कर लिया, खाला पा लिया, बीज भी पा लिया, उहदे च उहदा कीड़े वाली गल बाद च करांगे, नाल नाल पहले नदीना की कर लईए। उहदे दो रूल है भी नदीन आपां रोकणे आ किस स्टेज ते रोकणे आ, उदे दो टाइम है, एक नूं अंग्रेजी कहिंदे आ प्री एमरजेंस, एक कहिंदे आ पोस्ट एमरजेंस। प्री एमरजेंस का कहण दा भाव है कि जम्मण तो पहलां, पोस्ट एमरजेंस हो गया कि जम्मण तो बाद। हुण इत्थे की है, ये दो लफ्ज़ां दा हौज पौज सिस्टम है, ये सानूं समझ नहीं लगता कि किते जम्मण तो पहलां तां किते जम्मण तो बाद, वो सानूं प्लान करना पैना। उहदे विच ये रखना कि जो असी गन्ना बीज रहे हैं खेत की कंडीशन, जिदा कि मैडम ने कहा भी माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, जिस खेत दे विच तुसी ला रहे हो उहदे हालात की ने। जिदा हुण अज दी डेट विच तुसी देखो कि बत्तर सोहना खेत दे विच, जे तुसी बत्तर दे विच गन्ना बीज रहे हो उत्थे कंडीशन दूजी अप्लाई होनी है, तो जे तुसी सुक्के दे विच गन्ना बीज के फिर पानी ला रहे हो तो कंडीशन दूसरी होगी। तो वो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਪੋਜ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਦੀਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਔਰ ਬੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਦਿਨ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। तो जे 35 दिन गन्ने ने जम्मन लगना, तो जो नदीन सके वह 35 दिन के हो जाने, क्योंकि वह दूजे दिन ही जम्मना शुरू हो जाते, क्योंकि कुदरत ने उन्होंने इन्ना हार्ड ही बनाया। बाकी चीज़ों असी चाहे झोना लै लो, कणक लै लो, मटर टमाटर, उन्होंने बीजा संभाल संभाल के उल्ली दे नाल शोध कर करके पैकटां च रखते हैं। नदीना कौन रखता, कुदरत रखती है ना। तो वह जदों उन्होंने माड़ा तो एनवायरमेंट चंगा मिले, एकदम फट के तैयार निकल आने। तो जिहड़े प्री एमरजेंस की मैं गल करिया, वह नदीन दे जम्मण तो पहला, तो वह जिहड़ी प्री एमरजेंस की स्प्रे है, जिहड़ियां तुहानूं सिफारिश कीते हुए नदीन नाशक हैगे हैं, चाहे वह एट्राजीन है, चाहे तुहाडी मैट्रीबूजन है, कोई भी जो स्प्रे करनी है वह तुसीं 48-72 घंटे के अंदर अंदर करनी है, ताकि जिहड़े तुहाडे नदीन है वह पहले ही उत्थे सप्रेस जम्मण दे टाइम ही खत्म हो जाए। और जब तक तुहाडा 35 दिन तक गन्ना जम के बाहर ना, उदों तक खेत तुहाडा साफ रहिंदा, इन्ना कसर उहदा रहिंदा। जदों जम के उहदे माड़े दे जाड़ बणे, एक तिफाली मार दो, पानी लगा दो, तो दूजी डोज जिहड़ी खाद दी पाउणी है वह पा दो, गन्ने ने दौड़ जाणा। जदों वह निकल गया, बाद विच तीजी डोज खोद दी ते पानी पाता, उस तो बाद जिहड़ा गन्ना दा विच नदीन आउणे, एक तो गन्ने ने दवा लैणे, फिर भी जे माड़े मोटे आ जांदे फिर कंडीशन पोस्ट एमरजेंस वाली आ गई, तो उस टाइम चाहिए 240 अमाइन साल्ट पा लो, सोडियम साल्ट पा लो, उन्होंने कर दो, उदो थले हुड लगा के कर दो, तो गन्ने तो कोई असर नहीं होता, नदीन चैक हो जाते। पर जे असी वो वेट करते रहेंगे गन्ने के जम्मन तक, उदो की होगा 35 दिन के जो नदीन हो जाए, उस तो बाद जो स्प्रे करते फिर स्प्रे भी असर नहीं करते।
क्योंकि जो नदीन उन्हों का भी एक्शन करने का तरीका अलग अलग हों कोई जिदा ग्लाइफोसेट की गल कर लो है ना जो वो कि जो हरा रंग का पिगमेंट होता उन्होंने मार थलों जड़ा नहीं मारता कुछ जड़े वो सिस्टैमिक होंगे वो अंदर जाके जितों जड़ जम पर उत्थे ही खत्म कर तो असं उन्होंने उत्थों ही कंट्रोल करना फिर एक अद बार गोडी पा लेनी है नाल पोस्ट मार्जेस कर लेनी फिर साडा गन्ना पल जाता नदीना की कोई दिक्कत नहीं आती। यह सीगा नदीना की मैनेजमेंट का प्रोग्राम कंट्रोल नहीं मैनेजमेंट करांगे घट तो घट रह जाना। उस तो बाद क्या कि जो माड़े मोटे आते भी हैं जो खेत के डीकंपोज हो जाते हैं वो जो डॉक्टर साहब गल कर रहे थे हरिया खादा पाया गन्ने हरी खाद लिए वेट घट करना पैंता क्योंकि गन्ने का गैस्टेशन पीरियड वो मैच नहीं करता तो वो जी रेंद खूंद है जो तो वो गलती सड़ती है उ ही साडा ऑरगैनिक मैटर उन्होंने बढ़ा देती है। एक चीज़ होर मैं इतने थोड़ी जी ऐड करूँगा जी पिछे आप मेरे माइंड चो निकले चौड़ी विधि के नाल जो चौड़ी विधि के नाल असं लाने वो जी 4 फुट थां बचती है वो असी कुछ अंतर फसल ला सकते हैं और अंतर फसल हमेशा उ लगती है जी कद काठ के गन्ने नालों हल्की होए और गन्ने नालों 2-3-4 महीने जी पक जाए बाद असर ना करे गन्ने कंपीट ना करे और जिदा आप असूकतों की गल करते हैं उस टाइम तो तुम चाहे गोभी ला लो गाजर ला लो चाहे तुम लसन ला लो प्याज ला लो कुछ भी ला लो क्योंकि जो तुम वो फरवरी मार्च के पट लैने हूँ अगे जाके उन्होंने जी रेंद खूंद पैंती है वो जो डिकम्पोज होंगी है वो जो गल सड़ जाती है दूजी खाद नाल मिलके वो फिर गन्ने ज़्यादा एक तो सॉयल की सेहत को चंगी करती है प्लस जो सॉयल की सेहत चंगी हो जाए उदे जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चंगे होणगे उस तो बाद जो तुम अपनी दूसरी इनपुट्स पाते हो खाद पाते हो उन्होंने डीकंपोज करने और प्लांट को अवेलेबल करने मदद करती है फिर साडे झाड़ चंगे आते हैं और सॉयल की सेहत भी चंगी रहती है और उसी खाद पानी के नाल उसी इनपुट के नाल उसी एरिए साडी जिहड़ी इनकम है गन्ने ने साल बाद देनी है तो वह कोई सानू अडिशनल कंपोनेंट एक्सट्रा मिल जाता तो वह असी करिए ताकि साड़ी गन्ने वाली जी कास्ट है वो एक साडा लाहेवंद फसल हो जाए तो धंधा हो जाए बेनीफिट हो जाए। यह सर नदीन नाशक का